कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्वर आलाय म्यूजिक आज मैं आपको बताऊंगा कि वाट इज संगीत संगीत क्या होता है उससे पहले मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे दोस्तों मेरे चैनल पर एक फैसिलिटीज़ और अवेलेबल है वो है कि आप सब्सक्राइब जहां बटन है उसके बगल में एक बटन आप देखेंगे ज्वाइन बटन आप इस बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं यानी मेरे चैनल के आप सदस्य बन सकते इसको यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके संगीत सीखने में आपको बहुत लाभ मिलेंगे और उससे ये रहेगा कि यदि आप मुझे संगीत संबंधी कोई मुझसे कोई क्वेरी पूछेंगे आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल सेकेंड थिंग यदि आप चाहते हैं मुझे फला फला पर्टिकुलर कोई राग चाहिए उसके नोटेशंस चाहिए और मुझे कोई वीडियो चाहिए ऐसा सॉन्ग वीडियो जिसमें उसके नोटेशन आपको चाहिए हाउ टू प्ले द सॉन्ग तो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा स्पेशली फॉर यू और मैं जब आपको अनलिस्टेड करके उसको पोस्ट करूँगा तो वो सिर्फ मेरे जो मेंबर्स हैं वो ही पढ़ सकेंगे उसको तो दोस्तों यदि आप थोड़ा बहुत उसमें एक्सपेंस भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपको म्यूजिक सीख रहे हैं आप चाहते हैं कि म्यूजिक सीखना है तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो भी जाए आप सीख ही तो रहे हैं आप कहीं भी जाइए टीचिंग के लिए और बिना मतलब कुछ राशि प्रदान किए हुए तो कोई नहीं सिखाता आपको तो उसी हिसाब से सीखेंगे लेकिन और बेहतर तरीके से सीखना है तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए वो तो दोस्तों यदि आप ज्वाइन करना चाहें मेरे चैनल को तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छी तरह से आपको सिखाया जाएगा नाउ कम टू द मेन टॉपिक संगीत शब्द क्या है आपने जो अभी मैंने ये धुन बजाई है एक संगीत ही तो था पहले ये जाने कि संगीत का मतलब क्या होता है ये कैसे बना इसमें हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए तो आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले वाट इज संगीत और द डेफिनेशन ऑफ संगीत जैसा कि आप जानते हैं संगीत शब्द कैसे बना है पहले ये जान लें देखिए संगीत जब हम बोलते हैं संगीत तो उसमें अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए तो सम धन गीत गीत ये बनेगा उसका अगर उसको टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो गीत बनता है जहाँ पर सम का क्या मीनिंग है और गीत का क्या मीनिंग है गीत का मीनिंग गाने से है गान से सिंगिंग से है और सम का मतलब होता है ताल या वादन से तो अभी अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि गायन के साथ वादन और इसी प्रणाली को हम संगीत कहते हैं और इसी टाइप से पंडित विष्णु नारायण भात खंडे जी जो संगीत के बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्हें पंडित कहा जाता था संगीत के चतुर पंडित उपाधि थी उनके पास में चतुर पंडित की तो उनके अनुसार संगीत गीत वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत में होता उन्होंने ये बताया और वास्तव तो में बात सही है अगर मैं पिछले उसमें देखूँ पिछले टाइम में तो संगीत के साथ में बाध्य तो होता था और साथ में नृत्य भी होता था आपने देखा होगा क्लासिकल म्यूजिक में और सिमिलरली ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं हम फिल्मों का संगीत देखें तो फिल्मों में तीनों चीज़ें होती हैं उसमें देखिए है। जब हीरोइन कोई गीत गुनगुनाती है गाती है तो उसमें ताल भी बजता है गीत भी गाया जाता है और नृत्य भी होता है तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के ये तीनों चीज़ें होती संगीत में लेकिन क्या है कि इसमें गीत प्रधान होने के कारण ये तीनों का समावेश संगीत में होता है अब आइए संगीत के कुछ एक मुख्य तत्व तो होते हैं तो संगीत के आप ये तीनों तत्वों को जानने पहले तब आपके मन में ये विचार क्रिएट होगा उत्पन्न होगा कि संगीत है क्या और क्या हम यदि हम संगीत सीख रहे हैं तो हमें हमारे अंदर भी तीनों चीज़ें होनी चाहिए नंबर एक होता है वाट आर द एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक फर्स्ट होता है स्वर नोट सेकेंड होता है लय और तीसरा होता है ताल तो कुल मिला के ये तीन तत्व होते हैं स्वर लय और ताल अब देखिए पहले स्वर के बारे में बताता हूँ मैं जो स्वर है जो स्वर लगता है जैसे ये स्वर लगता है ये देखिए ये गीत है और इसको मैंने इसमें स्वर लगे आपने देख लिए तो स्वर स्वरों ने ही इसको खुद क्रिएट कर दिया इसको यानी मेलोडी दी है स्वरों ने स्वरों में ही मधुरता होती है स्वर में तो स्वरों की उत्पत्ति हमारी ध्वनि जो हमारे अंदर ध्वनि है ध्वनि से मानी जाती है और ये उत्पत्ति इसकी हुई है ये जो स्वर हारमोनियम के हैं या किसी भी वाद्य यंत्र के हैं उसकी जो उत्पत्ति हुई हमारी ध्वनि से हुई है जो हमारे अंदर आहद नाद है और ये ध्वनि उसी से उत्पन्न हुई है और हमारी जो कंठ की ध्वनि है आहद नाद की ध्वनि है उन्हीं के बेस पर ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं तो ये तो स्वर हो गए दूसरा होता है लय लय को संगीत का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है लय के बिना संगीत असंभव होता है लय संगीत में लगने वाले समय को अपने बंधन में बांधकर संगीत को करणप्रिय और सौंदर्यपूर्ण बनाता है ये लय ही तो है लय ना हो कहते हैं ये लय में नहीं बेश्वरा है बेश्वरा है तो संगीत ही नहीं है वो फिर तो बिगड़ गया ऐसे तो संगीत ऐसे कुछ लोग क्या है सिर्फ ये इतना सीख लेते हैं ऐसे बजाते हैं और बोलते हैं, मैं सीख लिया मैं जो हारमोनियम बजाना आता है कोई एक तरीका है बजाने का लय है वाद्य है वाद्य के ताल वाद्य के साथ मात्राओं के अनुसार आप बजाएंगे तो उसको संगीत कहते हैं ऐसे खाली हारमोनियम है आपने दो चार गाना बजाना सीख लिया इधर उधर से नोटेशन ढूंढ करके तो क्या आप संगीतकार थोड़ी बन जाएंगे आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप अपने दिमाग में टच नहीं कर देंगे हृदय में नहीं टच करेंगे संगीत को उसके बारे में नहीं सोचेंगे विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक आपको संगीत रियल में नहीं आएगा कि रियल व्हाट इज़ रियल म्यूज़िक तो ये तो लय हो गया इसके बाद तीसरा जो तत्व है वो है ताल संगीत में स्वर तथा लय के बाद ताल का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है संगीत में समय मापने के लिए समय को मेजरमेंट करने के लिए और इस ना समय को नापने के साधन को हम ताल कहते हैं जो विभागों और मात्राओं के समूह से बनता है जैसे ताल आप कहरवा ले लीजिए उसमें आठ मात्राएं होती हैं और जो बजाने वाला आप गाते हैं तो बजाने वाला गिनती कर करके बजाता है आठ मात्रा ताल कैरवा में होती है तो उसके चार चार मात्राओं के दो विभाग हो जाते हैं धा गे ना ती न का धीना धा गे ना ती न का धीना वो अपनी मात्रा काउंटिंग के साथ में बजाता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है ताल का तो संगीत की आप परिभाषा जान गए संगीत क्या है संगीत के जो तीन तत्व हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक जो आपके अंदर होना चाहिए तभी आप संगीत सीख सकते हैं दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ इतना ही बताया अगले ट्यूटोरियल में आपको कुछ नई चीज़ लेकर के हाजिर होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम